आगे बढ़ने से पहले द मैन जिनके बारे में मैं इतनी सारी बातें कर रहा हूँ, आई वुड रियली लाइक टू कॉल अपॉन राहुल रंजन सिंह. प्लीज मेरे भाई, कम अप ऑन स्टेज एंड शो द वर्ल्ड योर फेस. यस, मेक सम नॉइज फॉर राहुल एवरीबॉडी. I feel highly privileged to be here in front of such big leaders. काफ़ी influential लोग यहाँ पे बैठे हैं. मुझे believe नहीं हो रहा है कि एक छोटे से town का लड़का एक event कर पाता है, इस प्रकार का platform बनाने का सोचता है. और कितने सारे like-minded लोग हैं जो उसका साथ देने, उसके साथ कारवा बनाकर चलना शुरू कर देते हैं. द मेन पर्पस, द मेन गोल ऑफ ब्रांड एम्पावर्स ग्लोबल एक्सेलेंस अवार्ड इज टू शाइन अ स्पॉटलाइट ऑन सच बिजनेस ओनर्स हु आर एक्चुअली हिडन जेम्स इन आवर नेशन. जब तक बिजनेस आगे नहीं बढ़ेगा, मेरा मानना है देश आगे नहीं बढ़ सकता है. तो एक गोल है जो हमारा गोल है, वो आप सभी का भी गोल है. भारत को आगे बढ़ाना है, देश को आगे बढ़ाना है, इंडिया को आगे बढ़ाना है. और इंडिया कैसे आगे बढ़ेगा? कभी 75 साल 80 साल पहले एक पिछड़ा देश कहा जाने वाला भारत आज बुलंदियों पे है. किसकी वजह से? आप सभी बिजनेस ऑनर्स की वजह से, जिन्होंने देश में इतना एम्प्लॉयमेंट जनरेट किया है. जब हम बिजनेस करते हैं तो देश के लिए टैक्स कलेक्शन करते हैं, दुनिया भर के डेवलपमेंट शुरू हो जाते हैं. बेरोजगारी अगर खत्म करनी है हमारे देश से, तो हमें बिजनेस को आगे बढ़ाना पड़ेगा. और बिजनेस आगे कब बढ़ेगा? जब वो ब्रांड बनेगा. ये ब्रांड एम्पावर की एक मुहिम है, कोशिश है कि हर वो छोटा बिजनेस, छोटा हो या बड़ा फर्क नहीं पड़ता है, हर एक बिजनेस अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए दिन रात मेहनत करता है. याद करिए वो दिन जब आप लंच बॉक्स लेकर गए थे और पूरा खाना वापस लेकर आए थे, खाना खाने का टाइम नहीं मिला आपको. ऐसा थोड़ी था कि आपको भूख नहीं थी, आपका जो पैशन था कुछ बड़ा करने का, उसके सामने आपने खाना खाना जरूरी नहीं समझा. वापस आए, आपने बोला चलो भाई धंधा किया, कोई बात नहीं, खाने नहीं खाया तो क्या बात है. आज उसी भूख के लिए, जो आगे बढ़ने की भूख थी, खाने की भूख को छोड़ा था आपने, उसी को सेलिब्रेट करने का दिन है आज. आपके जो सेक्रीफाइसेस किए हैं बिजनेस को बढ़ाने में, जो हजारों लाखों लोगों को आपने एम्प्लॉयमेंट दिया है, उसको सेलिब्रेट करने का ये मोमेंट है जो कि मैं आप लोगों के साथ साझा कर रहा हूँ. मुझे बहुत खुशी है कि आप लोग इस इवेंट का पार्ट बने